दोस्तों आज के टाइम में हर बंदे के पास मेल होता है, एक मेल आईडी होती है। और क्यों होती है? क्योंकि जब भी आप मोबाइल नया लेते हैं और उस बीच में आप जब प्ले स्टोर ओपन करते हैं या फिर कोई भी ऐसा फ़ोन ओपन करने की कोशिश करते हैं, तब आपको पहले तो जीमेल की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर लॉगिन करने के लिए बोला जाता है। तो मिनिमम एक ईमेल तो हर बंदे के पास होती है, अगर नहीं है तो जाहिर सी बात वो बंदा मोबाइल यूज़ नहीं करता होगा। बट यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ कि उसी ईमेल में आप जब भी आप नया क्रिएट करते हैं तो बिल्कुल ये खाली खाली लगता है, एक दो मेल आते हैं जीमेल की तरफ से, मतलब गूगल की तरफ से, उसके अलावा तो कुछ नहीं आता। पर कुछ टाइम के बाद हमें गलती, हम खुद भी करते हैं कई बार और जानबूझ के भी करते हैं। गलती क्या होती है, जब भी कोई हमें कोई ऐप पे या फिर कोई वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे ऊपर ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आती है या फिर इस वेबसाइट का या फिर इस ऐप का या फिर आने वाली कोई भी अपडेट्स के बारे में नोटिफिकेशन आपको चाहिए मेल में तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे में आप करते हैं, स्टार्टिंग में आपको अच्छा लगता है तो कर लेते हैं। बट प्रॉब्लम वहाँ पे होती है जब आपके कुछ टाइम के बाद आप उस वेबसाइट पे कुछ काम नहीं होता, ज़रूरत नहीं होती है, और उसके बाद भी उसके मेल बार बार आपको देखने को मिलते हैं, उससे हमें काफ़ी डिस्टर्बन होता है। जब भी आप ऊपर नोटिफिकेशन देखते हो तो बार बार हमें उस वेबसाइट की तरफ से आता है। ऐसे ही आपको बहुत सारे वेबसाइट पर आप विजिट करते हो और ऐसा काम कर लेते हो। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, सीधी बात बता दूँ तो ऐसे जो ईमेल होते हैं वो हमें स्पैम में मिल जाते हैं कई बार, लेकिन यहाँ पे इनबॉक्स में मिल जाते हैं तो दिक्कत कहाँ पे होती है कि हमारा जो मेन रियल वाला ईमेल होता है वो हमें यहाँ पे मतलब रियल वाला मतलब कि कोई इंपॉर्टेंट मेल होता है वो कहीं खो जाता है, क्योंकि हमें स्पैम वाले और एक्स्ट्रा ईमेल मिल जाते हैं जो हमें नहीं चल रही ज़रूरत। तो बांध के चलो ये ईमेल यहाँ पे ऐसा आया और यहाँ पे ऊपर बहुत सारे ईमेल आ जाएंगे तो ये मेल ऑटोमेटिक नीचे चला जाएगा और उसमें हमें ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी उसके बाद, क्योंकि हमारा मेल इंपॉर्टेंट था। बट ये सब कुछ कब होगा, जब आपके पास मल्टीपल ईमेल आते हैं। तो आप कैसे चेक करेंगे कि कौन सी कंपनी की तरफ से, कौन से वेबसाइट की तरफ से हमें बार बार मेल मिलते हैं, उसको आप स्टॉप कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। कैसे करेंगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दूँ, अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ऐसे वीडियो आने वाले टाइम में मिलते रहेंगे, बहुत सारी कैटेगरी चलते हैं मिलते रहेंगे, तो चैनल पर एक बार विजिट कीजिए। चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा। तो चलिए चलते हैं मेन टॉपिक की ओर। तो यहाँ पे आप डिस्प्ले पे देख सकते हो मेरे पास एक मेल है, जो कि इसमें बहुत सारे यहाँ पे मेल आ चुके हैं। यहाँ पे कुछ मेल ऐसे इंपॉर्टेंट्स है, कुछ मेल इंपॉर्टेंट्स नहीं है। तो आप यहाँ पे मैं एक एक तो ढूंढ नहीं सकता कि कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं इंपॉर्टेंट। तो इस बीच में आपको एक काम करना है, ऊपर जहाँ पे लिखा है सर्च इन ईमेल, वहाँ पे ये वाला जो अनसब्सक्राइब लिखा मैंने ट्राई किया तभी यहाँ पे अनसब्सक्राइब आया, लेकिन आप फर्स्ट टाइम यूज़ करें तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा अनसब्सक्राइब सब्सक्राइब, यहाँ पे गलती नहीं करना, अनसब्सक्राइब, और फिर यहाँ पे आपको एंटर करना है। ये आपको ध्यान रखना है, सही से आपको डालना है, वरना ये इस तरह से कभी नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे मेल आ चुके हैं। अब अनसब्सक्राइब लिखने से क्या हुआ, अनसब्सक्राइब मतलब कि ये जो जिसके नीचे बटन अनसब्सक्राइब बटन आता है वो कीवर्ड और ये कीवर्ड दोनों मैच कर गए, वही ईमेल यहाँ पे आ चुके हैं। और अनसब्सक्राइब का बटन उसी में आता है जो अनवांटेड होते हैं मेल, तो उसी में ज़्यादातर आता है। बट ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम एक एक ईमेल में जाके अलग अलग कंपनी को अनसब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे हमारे पास एक सॉल्यूशन है इस वीडियो में। अब यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है, आपको थ्री यहाँ पे जो फिल्टर मतलब फिल्टर का ऑप्शन आता है वहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे एक क्रिएट फिल्टर पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे क्लियर करेंगे मतलब क्रिएट फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो आपको एक अप्लाई टू लेबल उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे एक न्यू लेबल को सेलेक्ट करना है। और लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो तो यहाँ पे लेबल का ऑप्शन है लेकिन वहाँ पे कोई भी लेबल नहीं है। अब लेबल में का नेम आप अपने हिसाब से ले सकते हो, मैं अपने चैनल का ही दे देता हूँ और बाकी यहाँ पे कोई भी छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्रिएट कर लेते हैं। और क्रिएट किया तो लेबल तो बन चुका है लेकिन यहाँ पे एक और ऑप्शन है ऑल्सो अप्लाई फिल्टर मैचिंग कन्वर्जेशन, उसको कर देना है ऑन मतलब चेकमार्क कर देना है, फिर यहाँ पर क्रिएट फिल्टर पर क्लिक कर लीजिए। अब जैसे क्लिक करेंगे तो अब सारे जितने भी मेल्स है वो स्पैम मेल है वो यहाँ पे आ जाएगा। स्पैम मेल इसको मैं नहीं कह सकता हूँ, अनवांटेड कह सकता हूँ, क्योंकि स्पैम में आपको वाई डिफॉल्ट फोल्डर मिल जाता है, यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ। और स्पैम में यहाँ पे है, स्पैम में आपको ऑल मतलब कि स्पैम कौन से होते हैं, वो एक डेंजरस मेल होते हैं, वो यहाँ पर स्पैम फोल्डर में आ जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो स्पैम में कुछ मेल ऑलरेडी पड़े हैं जो कि प्रमोशन के, और प्रमोशन पे मैं बिल्कुल अभी कोई ट्रस्ट नहीं करता क्योंकि चैनल हैक हो जाते हैं और ये सारे मेल प्रमोशन के बताए गए लेकिन चैनल हैक हो सकते हैं, इसलिए मैं प्रमोशन मेल पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। तो इसको स्पैम नहीं बोल सकते, उस मेल को जो हमने अभी दिखाया वो सारे मेल को स्पैम नहीं बोल सकते।
तो अब देखिए यहाँ पे लेबल हमारा बन चुका है, इसको अनवांटेड ही मैं बोलूँगा। तो चलिए इसको ओपन करते हैं और वहाँ पे सारे अनसब्सक्राइबर मेल आ चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, टेक्नोनिक जो लेबल है हमारा उसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए वही अनसब्सक्राइब वाले सारे मेल आ चुके हैं जो पहले हमने दिखाए। अब इसको एक साथ डिलीट करना है तो कैसे करेंगे, इसके लिए आपको यहाँ पे टिक मार्क कर देना है, ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑल 50 कन्वर्जेशन पेज, मतलब यहाँ पे देख लीजिए 50 कन्वर्जेशन पेजेस है भाई, कितना कितने मेल आप सोच नहीं सकते यार, इतने सारे मेल्स आ चुके हैं। सेलेक्ट 696 इतने मेल यहाँ पे है कन्वर्जेशन के, तो आप देख सकते हो यार इतना मेल तो हम सब्सक्राइब कर नहीं सकते कंपनी को तो पर्टिकुलर एक एक जाके। तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा, डिलीट कर लीजिए एक साथ बल्क में, मतलब पूरा का पूरा एक साथ डिलीट हो जाएगा 696। और यहाँ पे ओके कर लेते हैं। अब जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे ये सारे मेल अभी थोड़ी प्रोसेस के बाद डिलीट हो जाएंगे और यहाँ पे देख सकते हो पूरा का पूरा डिलीट हो चुका है। और यहाँ पे ध्यान दिया होगा आपने तो 323 था, अब 158 हो चुका है। और जितने भी बल्क में हमारे डिलीट किए अनसब्सक्राइब वाले स्पैम मेल, उसको डिलीट करने के बाद 158 जो इम्पोर्टेंट मेल है वो यहाँ पे इनबॉक्स में आ चुके हैं। अब यहाँ पे इतना ही नहीं, ये बार बार आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब जब भी इस पे मेल ऐसा स्पैम या फिर किसी और कंपनी का मेल आएगा जो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, फिर सब्सक्राइब किया वो भी मेल आएगा उस कंपनी की तरफ से, तो वो इसी लेवल में आ जाएगा और आपको बाद में आके बहुत सारे मेल हो जाते हैं तो डिलीट कर सकते हो एक ही क्लिक में। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो फालतू के मेल, ये जो जितने भी अब इंपॉर्टेंट मेल है वो यहाँ पे आ चुके हैं और फालतू के मेल थे वो सारे डिलीट हो चुके हैं। तो ये तरीका शायद आपको नहीं पता होगा, पता है तो अच्छी बात है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बाकी फ्रेंड को भी पता चले। तो ये था आज के इस वीडियो में, उम्मीद करता है वीडियो पसंद, लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।